अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन, सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की बड़ी अहम खबर। आज की हमारी ये खबर है नवाब साहब कुंटे से। नवाब साहब कुंटा यानी बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में नवाब साहब कुंटा आता है, जहां के एमएलए होते हैं हमारे AIMIM के मौज़म खान साहब, जो कि बड़े ही अच्छे और नेक आदमी है, जो कि बड़े अच्छे कारनामे करते हैं और बड़े हेल्पिंग नेचर इंसान है। नवाब साहब कुंटे के जो लीडर्स है, यानी अब लोकल बॉडी के जो लीडर्स होते हैं, हल्के के जो लीडर्स होते हैं, सदर होते हैं, नायब सदर, इस तरह के लीडर्स होते हैं। लेकिन लीडर्स की जहां तक बात आती है तो मैं तारीफ करूंगा नवाब साहब कुंटे की, क्योंकि वहां पर हमेशा सफायत भी रहती है और वहां पर आवाम को किसी किस्म की तकलीफ भी नहीं होती है, क्योंकि वहां के लीडर्स कुछ इस हद तक काम करते हैं जिस तरह के आवाम को शिकायत का मौका ही नहीं मिलता है। नवाब साहब कुंटे के सदर साहब का नाम है आबेद साहब और नायब सदर मोहम्मद जावेद, जो कि इरफान होटल के प्रॉपर्टर भी है, ओनर भी है, और अशफाक हसैन और अशफाक भाई, ये सारे लोग मिलकर नवाब साहब कुंटे में बड़ा अच्छा काम करते हैं और आवाम को किसी भी चीज़ की तकलीफ होने नहीं देते हैं। दरअसल आज इनॉग्रेशन था 40 लाख के काम को लेकर, जिसमें सीमेंट रोड आती है और ट्रांसफार्मर्स आते हैं और केबल का वर्क भी आता है। बहरहाल आइए देखते हैं ये अहम खबर। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नवाब साहब कुंटा डिवीजन में, इस नवाब साहब कुंटा टुम के जो एरिया है, यहाँ पर इस एरिया के कॉरपोरेटर जनाब हन्नान साहब और मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के इफ्तिदाई के सदर, मोतमद, वर्कर्स और नवाब साहब कुंटा डिवीज़न के सारे वर्कर्स यहाँ पर मौजूद है। आज का मौका ये था कि इस नवाब साहब कुंटा टुम के अंदर CC रोड और NP2 पाइपलाइन, मॉडर्न लाइट्स और केबल का, इलेक्ट्रिकल केबल्स के कामों का आज इनॉग्रेशन किया गया है। तकरीबन ये 40 लाख रुपए के इस टुम के इलाके के अंदर कामा किए गए हैं और इस एरिया के कॉरपोरेटर और यहाँ के सुदूर मुतमद्दीन, यहाँ के इफ्तिदाई, जो आवाम को तकलीफ़ थी, उस तकलीफ़ को एहसास रखते हुए यहाँ पर जितने भी सहूलतें मिलना था, उस सारे सहूलतों को यहाँ की आवाम को मुहिम किया गया, कराया गया है। और मैं आपके चैनलों के ज़रिए यही कहूँगा कि या नवाब साहब कुंटा डिवीज़न होने दीजिए, या फलकनुमा डिवीज़न होने दीजिए, या किशनबाग डिवीज़न होने दीजिए, मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स हमेशा आवाम के दरमियान में रहकर आवाम की सहूलत पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है और सदर मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन हमेशा MLAs को, कॉरपोरेटर्स को, वर्कर्स को यही कहते हैं कि आप आवाम के दरमियान में रहेंगे तो आवाम की तकलीफ़ को समझ सकेंगे। और उसी का नतीजा आज आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज छोटी छोटी सो गली होने दीजिए या बस्ती होने दीजिए, मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के वर्कर्स की मेहनत के वजह से आज इस एरिया में डेवलपमेंट आ रहा है और इंशाल्लाह ताला जो भी डेवलपमेंट आगे का रहेगा, मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के वर्कर्स, कॉरपोरेटर और MLA अवाम के दरमियान में रहकर अवाम को सहूलत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, यही मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन है। और यही मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन का जो काम है, इस काम की बुनियाद के ऊपर इस बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अवाम मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन को बेबाक पने से चाहती है और यही काम की बुनियाद पर हम अवाम के दरमियान में जाकर अवाम का साथ देते हैं और अवाम के साथ रहते हैं। और इंशाल्लाह ताला और भी प्रोग्राम्स होंगे, और भी इनॉग्रेशन होंगे, मैं आपके सामने तफसील उस प्रोग्राम्स की आपके साथ रखूँगा। शुक्रिया बहुत बहुत। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ, जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें, एड्रेस पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7